तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों अभी मैं चल रहा हूँ सड़क की तरफ, देख सकते हैं हंसुआ लिए हुए हैं और चलते हैं सड़क की तरफ घूमने। दोस्तों टाइम अभी हो गया है 1:15, तो आज का ब्लॉग अभी से स्टार्ट करते हैं। और देख सकते हैं कि कल भी धूप आ गया था और आज भी धूप, आज थोड़ा लेट से आया है 12:30 बजे। कल तो 9 बजे ही धूप आ गया था, लेकिन आज 12 बजे धूप आया है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा व्यू है, यानी कि हार्ड गर्मी, हार्ड ठंडी था, बहुत ज़्यादा हार्ड था ठंडी। तो ठंडी धीरे धीरे अब ख़त्म हो रहा है और दिन भी 12 हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके। तो चलिए अभी चलते हैं, मैं अभी चल रहा हूँ जय कटने भैंस के लिए। तो चलते हैं खेत में, मिलते हैं खेत में पहुँच करके। तो अभी मैं खेत में अब पहुँचने ही वाला हूँ, यानी कि पहुँच ही चुका हूँ समझिए। ये सामने वाला है, ओ सीमर है ना, सीमर के पास है। तो अभी मैं चलता हूँ इस होकर के, आरी होकर के चलते हैं। पहुँच गए दोस्तों, देख सकते हैं यही हमारा खेत है और इसमें भी साइड साइड से राई सरसों डाले हुए हैं और बीच में सिर्फ गेहूं है, देख सकते हैं। और उस साइड में जो पुतला दिख रहा है सामने वाला, ये पुतला ओ जई है सीमर के पास में। तो चल जई काटेंगे, जई काटेंगे उससे पहले अभी चलते हैं। बांस दिख रहा है सामने और बांस में से घूम के आते हैं, हमारा ही बांस है। तो देखते हैं उधर का रुतबा कैसा है। बहुत दिन के आया हूँ, लगभग एक डेढ़ दो महीने, डेढ़ महीने के बाद इधर आ रहा हूँ। आता था तो वहीं से चला जाता था, तो कबूरगाह पर से जहाँ पर बाउंड्री घेराता है वहाँ से। अच्छा अच्छा और भाई लेगा तो वो जा रहा है ना स्प्रे करने, तो वही बोलता है कि चलो उधर घूमने। हम बोले ठीक है चलते हैं, हंस दिए हैं। तो चलते हैं दोस्तों, ये सामने आ गया बांस, इधर घूम लेते हैं। और यहाँ भी थोड़ा सा खेत है तो उसमें करैया बुआई हुआ है, तो फिलहाल चलते हैं इधर घूम लेते हैं। इस समय सरे की तरफ जो है ना घूमने में बहुत ही मज़ा आता है दोस्तों, देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आ गया फाइनली इस खेत में और एक करैया है बंगला, देख सकते हैं हमारे एक करैया बंगला बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट कीजिए। और ये बांस है और बांस में ही ये साइड से जो है ना लीक लगा दिया था करैया होकर के ही, तो ये घेर दिए हुए हैं बांस से। और कांठ है इसमें से गड़ता है बारह, तो देख सकते हैं इधर पत्थर थोड़ा सा रखा हुआ है। और इधर तो ज़्यादा बांस नहीं है, थोड़ा सा बांस है और तो इधर दूसरा कुछ कुछ का पेड़ सब है, जामुन उमुन है, अमरूद सब है। और उधर देख रहे हैं नारियल, तार नारियल, तो वो सब दूसरे का है, मानिए कि हमारे चाचा का है। यहाँ पे बोरिंग गारा हुआ है तो ये सब अपना सफाई से करके रहते हैं यहाँ पे। तो इस तरह का व्यू है दोस्तों। अभी जय हम काटेंगे, थोड़ा देर के बाद थोड़ा सा यहाँ पे रुकते हैं, वीडियो वीडियो देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, उसके बाद में जय काट के फिर चलेंगे। और यहाँ का नज़ारा देखिए, प्यारा सा मस्त है, हवा चल रहा है। गर्मी महीना में आते हैं तो यहाँ पर जास्ती करके बैठते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, क्योंकि दोस्तों गर्मी के महीना में और भी अच्छा लगता है यहाँ पे। अभी तो इस समय तो चारों तरफ हरियाली हरियाली, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, देख सकते हैं उधर। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं बाद में जई काटते समय। तो अभी मैं आ गया हूँ उस बांस में से, आ गया हूँ जई वाला खेत में और चलते हैं जई काट लेते हैं। टाइम दोस्तों अभी 3:15 हो गया है, तो 10-15 मिनट लगेगा काटने में, काट लेते हैं और काट करके वही हजा बांध लेते हैं, फिर चलते हैं घर पे, क्योंकि लगभग 1.5 घंटा बैठ गए, बैठ के वीडियो देखते रह गए। तो अभी चलते हैं काट उट करके और फिर मिलते हैं।
दोस्तों भी जय काट लिया अभी ये पूरा, ऐसा को बांध लेते हैं। और बांधने के लिए तो रस्सा वस्सा नहीं लाए हैं, गमछा पर इसी पे बांध देते हैं। और टाइम अभी 4:15 हो गया है लगभग, तो बांध लेते हैं उसके बाद घर पे चलते हैं। तो अभी जय बांध ही रहा था कि माई आ गए उधर से गेहूँ में से, इस सरसों की तोरी है राई, राई ज़्यादा जोर था तो वही उखाड़े हुए थे, इसको बांध कर चलते हैं। और माई जब तक बाद में आएगी तो इसको बांध लेते हैं, वो सबको रख करके राई सबको बोझा बांध लिया सबको, राई गेहूँ जय सबको। अब चलते उठाते हैं, माई उठा देती हैं तो चलते हैं। उठा लिए दोस्तों माथा पे और चलते हैं। और माई अभी जा रही है उधर दूसरे खेत की तरफ, बाद में आएगी। मैं चलता हूँ इसको कुट्टी काट के और भैंस को तब तक दूंगा, फिलहाल चलते हैं घर पे। ये हो जाए घूम जाए अच्छा। दोस्तों अभी कुट्टी उट्टी काट लिया हुआ आकर के, कुट्टी कटा गया, इतना ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा था जय तो इतना रहने दिए हैं। और अभी फेंट करके भूसा में, गेहूँ के भूसा में रख दिया, भैंसी को खा रहा है, उधर पारी को भी दे दिया। और ये देखिए सरवन अभी खा रहा है भुजिया और पराठा। अभी टाइम दोस्तों हो गया है 4:15, तो अभी चलते हैं, हाथ पैर धोते हैं, पूरा लगा हुआ है देख सकते हैं भूसा सब, चलते हैं हाथ पैर धोते हैं। दोस्तों अभी हाथ सब धो लिया और कल इस समय में इधर रामधुन हो रहा था तो पूरी तरह से धूम धड़ाका था रामधुन के लिए, लेकिन आज पूरा सन्नाटा है। चलते हैं कपड़ा से मुँह पोछते हैं, साफ साफ तो कर लिए अच्छे से, इससे साफ कर लेते हैं। तो हो गया साफ कर लिए, अब चलते हैं, थोड़ा सा बकरी को रख देते हैं खाने के लिए, उसके बाद खाना खाएंगे थोड़ा। तो दोस्तों अभी खाना खा रहे हैं और देख सकते हैं क्या है खाना, भुजिया है, सब्जी है और पूरी है फुलकी। ठंडा लग रहा है तो चादर ओढ़ लिए हैं और अभी खाते हैं, आइए आप लोग भी खा लीजिए भुजिया पूरी और सब्जी। टाइम अभी हो गया है 5 बजने वाला, खा के फिर मिलते हैं बाद में। अभी आया हूँ बाजार में, थोड़ा सब्जी लेना है तो सब्जी ले लेते हैं, सब्जी लेना है और क्या लेना है, हाँ लहसुन उसुन लेना है तो ले लेते हैं। ओ लहसुन 25 रुपये 100। कितना कला 250, 250 रुपये, 100 ग्राम 25 रुपये। कोई भैया बंदा कमी ना होते कैसे, कम बेस ना होते लिया हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा प्रसादी लेना है दूसरे आदमी का है वो ले लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं। चाचा भी इधर सब्जी लेने आए हुए थे मेरे साथ में ही तो ले लिए हुए हैं, खाली प्रसादी लेना है उसके बाद में चलते हैं। दोस्तों अभी आ गया हूँ घर सब्जी लेकर के, गोभी लिया हूँ, लहसुन लिया हूँ और धनिया पत्ता लिया हूँ, बस तीन ही चीज़ लिया हूँ। तो चलिए अभी तो आ गया घर, और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल सुबह एक और न्यू वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।